आप किस बात के लिए इतने परेशान है? आपके चेहरे का नूर झड़ा हुआ है, उदासी चेहरे पर है, क्या बात है? अगर तू सुनना चाहता है तो अपना दिल थाम ले और अच्छा। अपनी बात कह दे और मेरी भी सुन ले। कह दे गोपीचंद। सुनिए हमारी बात। कह दे गोपीचंद। सारी अपने दिल की पी।
तेरा हुक्म बजाना चाहूं सूं। तू आफत में पड़ जागा खोल बताना चाहूं सूं। हरी ते आ देती तेरे चरणों में साथिया, जिस बात के लिए वो मैनावंती बहुत दिन से परेशान थी, क्योंकि अपने बेटा गोपी चंद को योग दिलाना चाहती थी कि मेरा बेटा अमर हो जाए। साथियों चौथी बात के माध्यम से आपको ये बात प्रियंका जी बताएंगी किस प्रकार से मैनावंती कहती है। तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सूं। अरे गोपी चंद, अरे गोपी चंद बेटे तन्ने मैं अमर बना चाहती है। हाँ गोपीचंद, कई दिनों से ये बात मेरी जुबा तक आती है, लेकिन बात आती है लेकिन मैं कह नहीं पाती। और यही कारण है गोपीचंद कि मेरी ममता कहती है कि मेरे बेटे का आवागमन से हमेशा के लिए चक्र छूट जाए और उसकी काया अमर हो जाए। लेकिन आपका ख्याल गलत कि आवागमन का चक्र उस विधाता ने जो बनाया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी है, चाहे कितना बड़ा मौलवी है। तेरी बात सच है गोपीचंद, लेकिन एक माँ की ममता नहीं मानती। साथियों चौथी बात के माध्यम से गोपीचंद क्या समझाते, क्या बता दिया। अरे मिल जागा हर राम बैसला कुशक बड़ोला।